Quadratic equation. The notation of quadratic equation is very old. It is said to be Hindus constructed altars based on solution of quadratic equation. So many mathematicians came. First Aryabhatta, who born in 476 AD, gave a rule to solve geometrical progression which involves to solve the quadratic equation. This is the sum of geometrical progression which involves solution of quadratic equation. Second mathematician was Brahmavira, 598 AD, also solved quadratic equation. Third, Mahavira also solved quadratic equation. Hindu mathematician Siddhartha discovered in the year of 1025 a rule to solve a quadratic equation called completing a perfect square. Completing a perfect square. And Harrod also solved the quadratic equation by factorization method. I will not go in a detail. लेकिन ये मैथमेटिशियन इतने हैं, सो मेनी मैथमेटिशियन हैज गिवन देयर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन फॉर दिस चैप्टर ओनली. क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. स्टैंडर्ड फॉर्म A is not equal to 0. This should be याद रखिएगा. And A comma B comma C, A comma B comma C should be a real number. या का real numbers होने चाहिए. Some questions which is not solved by middle term splitting. If middle term splitting is failed, means simply quadratic equation is equal to मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज इक्वल टू अब जीरो कर दीजिएगा. नाउ आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. थोड़ा सा एक डिटेल्ड में आपको बता दूं, क्योंकि श्रीधराचार्य सर की बात आई है तो फर्स्ट आपका आपने लिखा. नाउ डी निकालिएगा डिस्क्रिमिनेंट. ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी श्रीधराचार्य मैथड. हालांकि उन्होंने कंप्लीटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर आपका निकाला था, ये आपका देखो डिस्क्रिमिनेंट निकाला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. यहां पे अब आप कंडीशन देखिए. कंडीशन इफ डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर डी की वैल्यू जीरो से बड़ी आ जाती है, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स अगर आपके आ जाते हैं तो आपका इफ डी इज ग्रेटर देन हाफ इट्स टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. यानी कि एक्स की एक वैल्यू अल्फा आएगी और एक्स की एक वैल्यू आपकी बीटा आएगी. ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी और ये आपका नेगेटिव वैल्यू आएगी. देन using Siddhartha and Umar Khayyam method, दोनों मिलकर के यहाँ पे किया था. अभी तो देखो equation, अगर आपकी x में standard form x equal to minus b plus minus now b square minus 4ac over 2, ये Siddhartha साहब ने, ये उमर खयाम साहब ने, या और you can write minus b plus
plus minus. Now in place of this b square by s 4ac, because it is d, आपने लिखा, and now this is a 2. Simply, आप ये भी इसमें लिख सकते हैं आपका नोटिस. इसके बाद it was the first condition. Second condition में, if d is equal to 0, after calculating the value of this b square minus 4ac, if that is coming 0 integer, तो यहां पे आप लिखेंगे have x to real and equal roots, यानी x की जो वैल्यू अल्फा होगी और x की जो वैल्यू बीटा, दोनों की वैल्यू सेम, यानी कि b by minus b by 2a. ये कहने का मतलब यहां पे अगर आप क्लियर कर दो तो दिस इज ऑल्सो नोन एज रिपीटेड रूट्स भी आप इसको कह सकते हैं. और तीसरा आपका ना देखो, इफ d इज स्मॉलर देन इक्वल टू 0, अगर आपकी नेगेटिव इंटीजर आती है तो हैव नो रियल रूट्स. माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, यानी माइनस इंटीजर्स में आती है तो ये सवाल को आपका यू विल क्लोज द क्वेश्चन या पैकअप आप कर देंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि इससे आगे ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास में आप इसको आयोटा से प्रूव करते हैं, तो इसको आपको नहीं देखना है. आपको ये आपका मैंने एक छोटी सी थीम बताई कि जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कोई सवाल नहीं होगा तो उसको इक्वल टू जीरो कर दो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी आ जाएगी. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका ए, एक्स हैज अ कोफिशिएंट बी, एंड सी इज अ कांस्टेंट टर्म. फर्स्ट यू फाइंड आउट द डी डिस्क्रिमिनेंट व्हिच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. ये कंडीशन से, इन कंडीशन से आप सवाल कर सकते हैं. आपका देखिएगा अब मैं आपको श्रीधराचार्य सर ने, मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य ने जो ईयर 1025 में जो अपना लॉजिक या कॉन्सेप्ट दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वो कंप्लीटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर था. कंप्लीटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर यानी कि अगर सवाल आपका है तो आप उसको पहले फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल करके कर सकते हैं, और नहीं तो आप कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से आप उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं. अब एक्चुअल में ये कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर है क्या, वो मैं आपको समझा दूंगा. कंप्लीटिंग एक क्वेश्चन में आपको ले रहा हूं, और उस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले कंप्लीटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर से आपको कर रहा हूं. ना देखो सॉल्व द क्वेश्चन बाय कंप्लीटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर. क्वेश्चन है आपका नाउ रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट टू इज इक्वल टू 0. तो मैं पहले सॉल्यूशन लिखूंगा नाउ रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट टू इज इक्वल टू 0. आप इसको इधर शिफ्ट करें या ये रहने दें, कोई दिक्कत नहीं आता है इनको. तो फर्स्ट यू सी द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखिएगा. तो ना पहले स्टेप में आपका देखो नाम आता नाम डिवाइडिंग द होल एक्सप्रेशन बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ये रूट टू बाय रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x बाय रूट टू प्लस 5 रूट टू बाय रूट टू इज इक्वल टू 0 बाय रूट टू.
हेलो हाँ बोलिए। अरे मैं कोचिंग में मुझे आया कैंसिल देखिएगा तो ना एक्स स्क्वायर प्लस सेवन बाई रूट टू एक्स प्लस ये देखिए ये कैंसिल तो ना फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब ना सेकेंड स्टेप में देखिएगा मल्टीप्लाई बाय हाफ विथ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। फर्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से आपने डिवाइड किया, अब जो आया उसमें एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा ना वन अपॉन टू सेवन बाय रूट टू एक्स और प्लस फाइव। द कोफिशियंट ऑफ एक्स इज सेवन बाई टू रूट टू आपका ये मल्टीप्लाई हाफ से करने के बाद अब एक्स का कोफिशियंट सेवन बन जाए सेवन बाई टू रूट टू हो गया ना देखो स्क्वायरिंग ऑफ दिस कोफिशियंट एड एंड सब्ट्रैक्ट यानी कि ये जो सेवन बाई टू रूट टू का जो स्क्वायर है उससे आप ऐड भी कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए तो ना एक्स स्क्वायर प्लस सेवन बाई टू रूट टू एक्स प्लस सेवन बाई टू रूट टू का स्क्वायर ये आपने ऐड कर दिया और ये फाइव आपके पास पहले से था माइनस सेवन बाई टू रूट टू का स्क्वायर। अगर आप इसको इधर ले आते तो ये दोनों तरफ आपका ऐड हो जाता एक ही तरफ है ऑन द सेम हैंड दैट्स व्हाई आई हैव ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। अब देखिए ना यहां ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी के होल स्क्वायर की वी आर यूजिंग द आईडी नाउ वेयर ए इज इक्वल टू आपका एक्स और बी इज इक्वल टू आपका सेवन बाई टू रूट टू। देखिए आपका नाम जो आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर यहां पे माइनस होता तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, यहां पे प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला। ए की वैल्यू मुझे मिल गई बी की वैल्यू मुझे मिल गई जो आपका स्क्वायरिंग किया हुआ ऐड करके तो ना देखो राइटिंग अकॉर्डिंग टू आईडी आईडी के अकॉर्डिंग x का स्क्वायर नाउ देखिए प्लस सेवन बाई टू रूट टू का स्क्वायर देखिए टू फॉर्मूले में होता है x इंटू सेवन बाई टू रूट टू इससे ये कैंसिल लगेगा तो ये सीधा ये लाइन देखिए आपका यहाँ लिंक कर दिए इसका मतलब सवाल बिल्कुल परफेक्ट है आपका नाम देखिए जैसे क्योंकि टू से ये इक्वल टू आप चाहें तो ना सेवन बाई टू रूट टू का स्क्वायर ये जो आपने सब्ट्रैक्ट था इसको इधर ले आइए ओटी में एंड माइनस दिस इज द ऑन ट्रांसपोजिशन दिस प्लस फाइव इज आपका ऑन ट्रांसपोजिशन कमिंग ऑन द राइट हैंड साइड और ये भी आपका यहां आ रहा है नाउ देखो इसको चिप कर दीजिएगा ये एक्सपेंडेड तो ना एक्स प्लस सेवन बाई टू रूट टू का होल स्क्वायर कैसे करो सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन टू टू सा फोर और टेन टू रूट टू रूट टू अपडेट टू और माइनस अब नाउ एक्स इज इक्वल टू सॉरी एक्स प्लस सेवन बाई टू रूट टू का होल स्क्वायर कैसे इक्वल टू फोर्टी नाइन देखिएगा एट फाइव सा फोर्टी और बाई आपका नाम दिस इज एट ये आपका एलसीएम में आपका आ गया पहले इसको एट किया फोर टू सा एट माइनस फोर्टी बाई एट आपका नाम देखो दस नाउ दिस एक्स इज आपका एक्स इक्वल टू या पहले मैं इसको रिमूव कर दूं एक्स प्लस सेवन बाई टू रूट टू कैसे बढ़ो आई एम रिमूविंग द स्क्वायर फ्रॉम हियर सो अल्टीमेटली इन द अनदर हैंड इट विल कम नाउ दिस इज नाइन बाई एट नाइन बाई एट तो ना
x is equal to minus 7 by 2 root 2 plus minus, that is 3 by a 2 root 2 आ गया, 9 का स्क्वायर रूट आपका आ गया. नाउ a टेकिंग पॉजिटिव साइन, एक बार पॉजिटिव साइन ले लीजिएगा, x is equal to minus 7 by 2 root 2 n plus 3 by 2 root 2. देखिए इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा. नाउ 2 root 2 minus 7 plus 3, if denominators are same, so the same numerator will come. Now minus 7 is 3 गया, minus 4 by 2 root 2 and ये आपका minus 2 by root 2. माइनस टू बाई रूट टू आपका ये आंसर आ गया. देखिए यानी कि इसको भी आप कैंसिल कर देंगे तो ये माइनस रूट टू वैल्यू आ जाएगी. बी टेकिंग निगेटिव साइन, आप एक बार निगेटिव साइन ले लें, एक्स इज बराबर माइनस सेवन बाई टू रूट टू माइनस थ्री बाई टू रूट टू आप ले लीजिएगा. आपका एक्स इज बराबर सेम डिनोमिनेटर इज हियर. Now you have taken the LCM, इसको आप LCM कह सकते हैं, minus 7 minus 3 minus 10 over 2 root 2, ये आपका minus 5 by root 2, ये वैसे आपका आंसर होगा, लेकिन आप इसको rationalize करके भी आपका now कर सकते हैं. तो now x is equal to minus root 2 and minus 5 by root 2, these are the values, these are the roots, these are the zeros of now the given equation, which was your root 2 x square plus 7 x plus 5 root 2 equal to 0. It was the perfect method for completing a perfect square. Now देखिए कई क्या करते हैं, यहाँ पे miss करके इसको 1 by 2 तो बता देते हैं, लेकिन अगले step में यहीं पे इसको जोड़ देते हैं. तो मैंने यहाँ पे clear किया कि जो x का जो आप coefficient है उसको 1 by 2 से आप multiply करके आपका ये आ जाएंगे, then जो coefficient आया x का उसका आप स्क्वायरिंग करके adding and subtracting करके आपका ये आंसर आ जाएगा. ये तो था completing a perfect squares. स्टेप बहुत क्लियर लिखे हुए हैं. जबकि अब ये सवाल सॉल्व हो जाए क्वांटिटी की क्वेश्चन, सॉल्व दैट क्वांटिटी की क्वेश्चन. इस सवाल को आपका देखो सॉल्व करो, इसको आप श्रीधराचार्य सर का जो दूसरा मेथड है उमरकयाम के साथ उससे भी आप कर सकते हैं. आपका देखो तो सॉल्यूशन में आपका देखिएगा रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव रूट टू इज इक्वल टू जीरो इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ आप इसको क्लियर कर दीजिएगा. वेर ए इज इक्वल एक्स स्क्वायर को कंपेयर किया, ए की वैल्यू एक्स एक्स को कंपेयर किया, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू आपका देखो फाइव. अब आप इससे क्या करेंगे, डी डिस्क्रिमिनेंट आप निकाल दीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर का मतलब आपका देखो सेवन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए का मतलब रूट टू इंटू फाइव रूट टू. याद रखिएगा साइन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसमें. तो नाउ डी इज इक्वल टू आपका देखो 49 माइनस फोर फाइव या 20 इंटू रूट टू कंप्लीट टू. तो डी इज इक्वल टू आप देख लीजिएगा तो नाइन आ गया. ये नाइन इज कमिंग आपका देखो ना पॉजिटिव वैल्यू आपकी आ रही है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू या यू कैन से दैट इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर. अब जब पॉजिटिव इंटीजर आ गया है तो उस समय यू हैव टू राइट द कंडीशन. आप कंडीशन लिखेंगे कि नाउ इफ डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि आपके ये जो पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू आई है नाउ है इट्स टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स.
ये अल्फा एंड बीटा आपकी जो दो वैल्यूज होंगी, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, लेकिन यहाँ पे हो सकता है दोनों निगेटिव आ जाए, तो ना तो ये आ गया डिस्टिंक्ट रूट्स, दो अलग अलग रूट होंगे, तो प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। तो यू से श्रीधराचार्य इन उमर खयाम मैथड, ये दोनों से आपका नाम, तो देखो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर आपका देखो टू ए, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी आपका दिस इज माइनस सेवन प्लस माइनस ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आपका कैलकुलेटिंग इट इट्स नाइन आपका ओवर टू इंटू ए की वैल्यू आपका देखो रूट टू, तो ना माइनस सेवन प्लस माइनस थ्री बाई टू रूट A, taking positive sign, एक बार आप पॉजिटिव साइन ले लीजिएगा x इक्वल टू माइनस सेवन प्लस थ्री ओवर टू रूट टू, तो नाउ इट्स माइनस फोर बाय टू रूट टू, इससे ये कैंसिल माइनस टू बाय रूट टू और ये आपका माइनस रूट टू किया गया देखिएगा। एंड B में टेकिंग निगेटिव साइन, एक बार निगेटिव साइन ले लीजिएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस सेवन माइनस थ्री ओवर टू रूट टू, तो नाउ इट्स माइनस एट बाय टू रूट टू, इससे ये आपका फोर टाइम आप काट दीजिएगा पार्डन सॉरी इट्स माइनस टेन बाय टू रूट टू और ये आपका देखो माइनस फाइव बाय रूट टू, आप चाहें तो रेसनाइज कर दें, तो ना डियर फॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट टू एंड माइनस फाइव रूट। तो ये डिस्क्रिमिनेट करके आपको अगर आएगा कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से, तो आप इससे वाला पहला मेथड करिएगा, और याद रखिएगा कि जब भी सॉल्व द इक्वेशन इक्वल टू जीरो आया है, इसका मतलब आपको वो सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही सॉल्व करना है। और इसका तीसरा थर्ड मेथड भी आपका है, थर्ड मेथड आपका वही फैक्टराइजेशन मेथड जो आप नॉर्मली आप करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, जो आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं, आईडी लगनी होगी आईडी वाले भी होंगे, तो नाउ दिस रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स और प्लस फाइव रूट टू, ये देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी आपका ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो रूट टू को फाइव रूट टू के साथ आप मल्टीप्लाई करिए, तो फाइव इंटू रूट टू रूट कंप्लीट रूट टेन, टेन टू फैक्टराइज फाइव टू सा आपका देखो ना फाइव टू सा हो गया, तो ना प्लस का फाइव और प्लस का टू जब एड होंगे प्लस का सेवन प्लस का फाइव और प्लस का टू जब मल्टीप्लाई होंगे तो ना प्लस का टेन, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यहाँ एम टी एस दिखा रहा हूँ ना फॉर्मेट ये, तो ना रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव रूट टू इक्वल टू जीरो, इन दोनों में आपका देखो रूट टू एक्स कॉमन ले लीजिएगा सर, अंदर आपके पास एक्स प्लस रूट टू आपका आ गया देखिए, इन दोनों में फाइव आप कॉमन ले लीजिएगा, नाउ एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, नाउ सी फॉर कॉमन, नाउ देखो यहाँ पे ग्रुप एन कॉमन था, नाउ एक्स प्लस रूट टू एन आपका देखो रूट टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, वन वैल्यू इज इफ एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, तो ना देखो एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट टू, और बी इफ रूट टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो ना रूट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव, तो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई रूट टू, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट टू एंड आपका देखो माइनस फाइव बाई रूट टू, दिस इज द थर्ड मेथड विच वॉज गिवन इन द हाइट। तो ये थे आपके तीन मेथड से किसी भी सवाल को आप कर सकते हैं, वैसे ये तभी होगा अगर ये नहीं आएगा तो इसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपकी ये हो जाती है ये सवाल इसी से ही होगा या कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से। थैंक यू।